झारखंड विधानसभा चुनाव की सुगबुगाहट के बाद पहली बार कांग्रेस की ओर से सबसे बड़ा बयान आया है। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने रांची में पार्टी के संवाद कार्यक्रम में 35 से 40 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कही है। इसके साथ ही उन्होंने मंच से ये भी कह दिया कि अगर कांग्रेस 25 से 30 सीट जीत जाती है तो अगला मुख्यमंत्री रोटेशन के तहत कांग्रेस का होगा। गुलाम मीर ने कहा कि झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस इस बार ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है और पार्टी ने अपनी तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। झारखंड कांग्रेस प्रभारी ने कहा कि अगर आप गठबंधन के तहत चुनाव लड़ते हैं और महज 10 से 12 सीटों पर सिमट जाते हैं तब ऐसे में कोई भी आपको सीएम नहीं बनाएगा। उन्होंने आम कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाते हुए कहा कि आप 25 से 30 सीटें लाकर दिखाएं तब रोटेशन के तहत कांग्रेस का सीएम जरूर बनेगा और कार्यकर्ताओं के काम ज्यादा तेजी से होंगे। बता दें कि इंडिया गठबंधन के अंदर झामुमो और कांग्रेस भी लगातार कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाने में जुटे हैं। कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाने के दौरान अब बड़े नेताओं का बयान गठबंधन धर्म के आगे जा रहा है। इस बार कांग्रेस की नजर कुछ और सीटों पर है, इसके लिए पार्टी ने अभी से माहौल बनाना शुरू कर दिया है। फिलहाल गठबंधन में कांग्रेस कोटे के 4 मंत्री शामिल हैं। बता दें कि पिछले चुनाव में कांग्रेस को गठबंधन में 31 सीटें मिली थी, इनमें से 17 सीटों पर कांग्रेस पार्टी ने जीत हासिल की थी। इस बार कांग्रेस की नजर कुछ और सीटों पर है, इसके लिए पार्टी ने अभी से माहौल बनाना शुरू कर दिया है। इस बार कांग्रेस ज्यादा सीटों की दावेदारी के साथ आगे आई है। इतना ही नहीं, कांग्रेस ने अब तो रोटेशनल सीएम बनाने की भी मांग कर दी है। दरअसल पिछली बार 31 सीटों पर कांग्रेस लड़ी थी, 43 पर जेजेएम और 7 पर आरजेडी ने उम्मीदवार उतारे थे। इस बार कांग्रेस का तर्क है कि पिछली बार के 31 के अलावा उनके साथ 2 विधायक और आए हैं। जेवीएम छोड़कर प्रदीप यादव और बंधु तिर्की कांग्रेस में शामिल हुए तो कुल 18 एमएलए हो गए। इसके बाद उपचुनाव में रामगढ़ से कांग्रेस की ममता देवी हार गई थी तो अब कुल विधायक 17 हैं। वहीं बीजेपी के सचेतक जेपी पटेल लोकसभा चुनाव में कांग्रेस में आ गए। ऐसे में कांग्रेस ज्यादा सीटों की चाहत रखती है।